सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रिदम। तो आज फिर से नया इसका अनबॉक्सिंग। तो आज जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है भाई, हम लोग एडिटिंग से रिलेटेड भी है और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड भी है। तो मैंने सोचा था कि इसको फोटोशूट में अनबॉक्सिंग कर दूंगा, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने अलग से इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया। तो आज जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ये दोनों ट्यूबलाइट्स का। तो आप लोग बोलेगा कि भाई ट्यूबलाइट का अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा है, भाई पागल हो गया क्या? नहीं भाई, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। तो इसका अनबॉक्सिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइट जो है ये थोड़ा सा हटके है। हटके कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोग का जो कलर है नॉर्मल ट्यूबलाइट से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि इसका कलर बस रेड ही कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। मार्केट में बहुत सारे कलर अवेलेबल रहते हैं। आप लोग कहीं शोरूम में जाइएगा या फिर कार के शोरूम में, या फिर आप लोग जो गेमर है, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो गेमिंग करते हैं, वो या फिर आप क्रिकेट इंसान को अगर देखते होंगे, नॉट स्पॉन्सर्ड, अगर आप देखते होंगे तो उनके जो पीछे जो बैकग्राउंड में मतलब लाइट्स रहता है, वो जो लाइट्स यही लाइट्स यूज करता है। अभी तो RGB लाइट्स मिलते हैं ऑनलाइन पे, लेकिन ये लाइट्स बहुत पहले मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। ये मैंने मार्केट से 220 के अराउंड परचेस किया है, और इसका मैं आज कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा, और इसका पूरा एकदम लाइट सेटअप दोनों तरफ करके मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना, और जो जो अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर लो। और जो जो मेरे तक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब फेसबुक पेज और मेरे सोशल हैंडलिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक का अभी तक फॉलो नहीं किया, ये चारों सोशल हैंडलिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके जाना, और वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई, और 300 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है, जल्द से करवा दो। और इसका हम लोग हम डिटेल रिव्यू देखने वाले, और इसके ऊपर आप लोग का BTS इन द वीडियो आने वाला है, मतलब फोटोशूट लाइट से फोटोशूट करेंगे, ट्यूबलाइट फोटोशूट। तो कैसे डिफरेंस मैं बता देता हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो गाइस, हम लोग आ गए यहाँ पर वीडियो में। तो ये रहा हम लोग का लाइट्स, और ये लाइट्स मैंने अराउंड 220 के पास आसपास में इसको मैंने मार्केट से, ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया। अगर आप लोगों को किसी को खरीदना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट का मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर कहीं पर बाहर अगर खोज करते हैं तो 300 के अराउंड आप लोग को ये प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत 220 के पड़ा है आसपास, क्योंकि मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आया था तो मेरे को यहाँ पर मिल गया। तो अभी अब चलिए बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, और इसका कनेक्शन भी करके भी दिखाऊंगा, एक साथ मैं लाइट को ग्लो करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये नॉर्मल LED लाइट की तरह आप लोग को यहाँ पर जॉइंट्स लगाने को देखने को मिलता है, जो आप लोग अपने दुकान वगैरह में लगा सकते हैं अगर आपका दुकान है तो, नहीं तो घर में आप लोग इसको परमानेंट फिक्स कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का एक लाइट, तो ये ब्लू कलर लाइट है। कैसे मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप परचेस कीजिएगा तो ये मेड इन इंडिया खैतान का कुछ कंपनी का है। मेनली आप लोग को जो ये जो लाइट देखने को मिलेगा वो खैतान कंपनी का कुछ देखने को मिलता है। तो ये मेड इन इंडिया है, और लॉन्ग लाइफ LED बैटन इसका नाम है। LED बैटन अगर आप सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, और इसका जो सेल है वो ओपन होता है, और इसको आप लोग अपनी 12 वोल्ट बैटरी से ओपन कर सकते हैं। इसका जो पावर वाट है वो 20 वाट। तो इसको अभी हम लोग अनबॉक्सिंग कर ली। आप इसका जो आप लोग बोल रहे थे कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन से कलर का है, तो आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो जिस कलर का होगा उस पे यहाँ पर मेंशन होगा। तो इसको अभी बॉक्स को हम लोग रखते हैं साइड में, और एक जो लाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। सेम ऊपर ओपन करते यहाँ पर आप लोग को कनेक्शन देखने को मिलता है, मतलब प्लग का, लेकिन हम लोग को इसको कनेक्शन करना नहीं है, हम लोग को फोटोशूट करना है। और इसमें आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग फोटोशूट करते टाइम आप लोगों को कोई शौक वगैरह नहीं लगेगा, इसमें आप लोगों को कोई डरने का बात नहीं है कि भाई शौक लग जाएगा तो शौक नहीं लगेगा, उतना डरने का आप लोग को कोई बात नहीं है। तो दोनों लाइट को पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। और मुझे ये ऑफलाइन से आप लोग परचेस कीजिएगा ना, तो एक क्या आप लोग को मतलब फायदेमंद रहता है वो मैं बता देता हूँ, कि आप लोग को ना इसका वारंटी देखने को मिलता है, 1 ईयर के वारंटी के आता है, 1 ईयर का वारंटी मिलता है, जो भी लीजिएगा 1 ईयर का वारंटी देता है। भाई मेरे को 1 ईयर का वारंटी दिया, अगर कुछ होता है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अभी सिंपल से आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस लाइट को हम लोग कनेक्शन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 16 फीट का मतलब 16 फीट का यहाँ पर वायर खरीदा है, जो अराउंड मेरे को 40 रुपीज का पास पड़ा है। और ये रहा हम लोग का ब्लैक टेप, और ये रहा हम लोग का प्लग कनेक्शन। तो जो ब्लू वाला होगा मैंने दोनों अलग अलग कलर का इसीलिए लिया है, क्योंकि ये ग्रीन वाला ब्लू कलर में जाएगा और रेड वाला इसी में जाएगा। तो देखते हैं जिसका जो किस्मत में पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वायर को एकदम हाइट वाइज काट लेते हैं, हाइट वाइज मतलब एकदम बराबर काट लेते हैं।
तो पहले वायर को खोल लेते हैं। ओके तो ओपन हो गया। अब इसको हम लोग एकदम बराबर माप माप में काट लेते हैं। और मैं इसको अपना जो स्टूडियो है, मतलब अपने यूट्यूब स्टूडियो, आप लोग को हमेशा देखते होंगे कि मेरा जो स्टूडियो रहता है उसमें आप लोग को बार बार चेंज देखने को मिलता है। तो इस बार आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इस बार मेरा परमानेंट स्टूडियो मतलब बैकड्रॉप बोल सकते हो कि बन गया है। और उसी बैकड्रॉप में मैं आपसे वीडियो बनाया करूंगा और कुछ बैकग्राउंड मतलब जो मेरा बैकग्राउंड रहेगा उसमें कुछ मैं चेंजेस करूंगा। ओके तो वो तो मैं अपने होम टाउन में जाके चेंज करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको एक वायर को साइड में कर देता और उसका प्लग कनेक्शन काट लेता हूँ। देसी जुगाड़ भाई, अपने मुंह से काटना और क्या। लेकिन प्लीज अगर आप कोई बच्चे मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मुंह से मत करना, किसी एडल्ट के अंडर एज अंडर में करना। क्योंकि ये थोड़ा सा डरावने वाला भी बात है भाई कि। तो पहले मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। एक मिनट, अगर यहाँ पर ये कनेक्शन वाला दिया तो इसके पीछे तो दिया हुआ नहीं है। छोड़ो, हम लोग को क्या, हम लोग को तो ऐसे कनेक्शन नहीं करना। तो इसको हम लोग पहले इसको लगा लेते हैं। ओके इसको लगा लिए। अब हम लोग यहाँ पर ब्लैक टिप से इसको सील कर देते हैं ताकि करंट लगने का कोई डर नहीं हो। ओके तो इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको ब्लैक टिप से ब्लैकआउट कर लेते हैं। ओके ब्लैकआउट है भाई, ब्लैक टिप से इसको। तो इसको ब्लैक टिप से पहले कर लेते हैं। ओके ये बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि भाई इसका जो जॉइंट है वो थोड़ा सा अलग तार का है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। आप लोग इसका देख के तार लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मैंने इसको देख के नहीं लिया। यहाँ पर लगा लिया, एक का ज्वाइंट कर लिया और एक ज्वाइंट का कर लेता हूँ। ओके भाई मेरे को तो पसीना पसीना दे रहा है क्योंकि भाई पंखा ऑफ करके हमको वीडियो करना पड़ता है और दिन जो हम लोग का मतलब एनवायरनमेंट है, वेदर जो हो गया, अभी तो गर्मी का दिन है, ठंडा का दिन नहीं है। तो इसका हम लोग एक कनेक्शन कर लिए और एक तार का पहले कनेक्शन कर लेते, उसके बाद साथ में उन लोग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये दोनों का कनेक्शन कर दिए, अब इसको ब्लैक टेप से सील कर देते हैं। ओके तो एक मिनट, ब्लैक टेप से इसलिए सील कर रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन इन लोग का जब जॉइंट्स हो जाएगा तो जॉइंट्स में कोई कनेक्शन के टाइम प्रॉब्लम ना हो। ओके क्योंकि शॉक लेने का भी कोई डर नहीं हो और इन लोग का कनेक्शन भी लूज ना हो, क्योंकि भाई मेन जो होता है ना, अगर कनेक्शन लूज करेगा तो लाइट को जलाने टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो पहले इस लोग को ब्लैक टेप कर लेता हूँ। Thank you.
गया एक का, और एक का करना है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का जो लगाना था वो तो लगाना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोग का जो मतलब प्लग है, इस प्लग को हम लोग इनपुट करेंगे, उसके बाद हम लोग का लाइट रेडी। तो हम लोग यहाँ पर प्लग लगाने के बाद मिलते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग का रेडी हो गया लाइट। तो अब 3, 2, 1 ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा, सारे लाइट ऑफ करते हैं उसके बाद चालू करते हैं अपना गेम। तो हम लोग यहाँ पर अपना प्लग जो है वो कनेक्शन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके लगाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना मजा आएगा, लाइट्स ऑफ करें। तो पहले इन लोग को इन करते हैं प्लग में, उसके बाद लाइट्स ऑफ करेंगे और डायरेक्ट इन लोग को ऑन करेंगे। सो इन द काउंटडाउन ऑफ 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। तो गाइस हम लोग क्या लाइट एकदम हो गया नियॉन ब्लू एंड रेड लाइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए गाइस इन लोग में शौक लगने का भी कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने हाथों में पकड़ रहा हूँ। तो फोटोशूट कैसे होने वाला, एकदम ऑसम फोटोशूट होने वाला है। तो वीडियोस देखने के लिए रेडी हो गाइस? तो अभी कमेंट डाउन करो कि किसको किसको वीडियोस देखना है और लेट्स गो स्टार्टेड। और लाइट्स कैसे है मैं दिखा देता हूँ सिंगल और ये करके। ये रेड कलर में मैंने लाइट लिया था, ओके। तो दोनों 220 के आसपास था। तो मैं एक ऑफ करता हूँ सबसे पहले, तो ब्लू वाला ऑफ हो गया, तो कोई बात ना। तो ब्लू वाला आप देख सकते हैं, सिंपल ब्लू वाला ऐसे मैं फोटोशूट करूंगा, ओके। तो ये सिंपल ब्लू वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस में अगर पड़ रहा होगा। तो उसके बाद मैं ब्लू वाला ऑफ करता हूँ, अब रेड वाला ऑन करता हूँ, ओके। तो देखिए रेड एकदम भाई डेविल वाला लुक दे रहा है, डेविल वाला। तो ये रहा हम लोग का लाइट्स, तो इसको भी लेकर हम फोटोशूट करने वाले हैं। तो जिन लोग को फोटोशूट देखना है वो लोग कमेंट करना। और अभी हम लोग किसको थोड़ा सा इसी को हम लोग एंड तक ले जाते हैं, देखते हैं। तो भाई हमको तो सबसे बढ़िया भाई ये दोनों लाइट्स लगा है, ब्लू और रेड, बहुत बढ़िया ऑसम कलर लग रहा है मेरे को, तो देख कर बहुत बढ़िया लग रहा है यार। मतलब क्या बताऊँ, गजब लग रहा है, गजब। मतलब ऐसा नहीं होगा फिलहाल ना कि भाई ऐसे अगर फोटोशूट करूंगा भाई जियो, ये तो बढ़िया लग रहा है। तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे फोटोशूट होने वाला है और मेरे बैकग्राउंड में यही दोनों लाइट लगने वाले हैं मेरे रूम में जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मतलब आज का वीडियो यहीं तक था, और बहुत सारे ऐसे आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी इस लाइट्स को ऑफ करते हैं, इन लोग को ऑफ कर देते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें मैं इसी लाइट्स का यूज करूंगा, ये व्हाइट वाले लाइट्स मैं ऑफ कर दूंगा, ओके। तो आज का वीडियो यहीं तक था। सो गाइस वीडियो कैसा लगा वो कमेंट डाउन करना, और लाइक्स कैसा था वो बताना। और इसके बाद मेरे जो बैकग्राउंड में मैं अपना स्टूडियो बनाने वाला हूँ, उस स्टूडियो में कुछ मैं पूरा अपना स्टूडियो टूर दिखाऊंगा, उसका वीडियो लाऊंगा। तो ये दोनों लाइट का कैसे मैं यूज़ करूंगा आप लोगों को बता दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन करना। और इसके साथ मैं और दो लाइट्स खरीदने वाला हूँ ऐसा ही, लेकिन अभी नहीं, अभी बजट का थोड़ा सा इशू है। जब मैं अपना होम टाउन जाऊंगा आप लोगों को ऑब्वियसली उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो दिखा दूंगा। तो उसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो होगा वो मैं अपना जब टूर मतलब अपना स्टूडियो बनाऊंगा तब का। लेकिन ऐसा ऑसम लग रहा है ऐसे साइड में, बढ़िया लग रहा है, ऐसे बढ़िया लग रहा है ना वीडियो, ऐसे बना देते हैं बढ़िया लगेगा, सोच रहा हूँ ऐसे ही कुछ करूंगा। सो कमेंट डाउन करने की कैसे करना चाहिए, ओके। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो हम लोग किसी और एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।